ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुजानपुर विधानसभा के कुठेड़ा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, स्कूल की साल भर की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला और उपलब्धियों से अभिभावकों को अवगत करवाया। बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान रंगारंग नृत्य प्रस्तुति कर सभी अतिथियों व अभिभावकों का मन जीत लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व विद्यालय की प्रिंसिपल नीना ठाकुर के द्वारा माँ सरस्वती की पूजा व दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। प्रिंसिपल नीना ठाकुर ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, स्कूल की साल भर की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और उपलब्धियों से अभिभावकों को अवगत भी करवाया। बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान रंगारंग नृत्य प्रस्तुत कर सभी अतिथियों और अभिभावकों का मन जीत लिया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत अपने आसपास अपने प्रदेश व देश को किस तरह स्वच्छ रखा जा सकता है और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को भी नृत्य और नाटकों के माध्यम से पेश किया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। अपने संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बच्चों और अभिभावकों को बधाई दी और वार्षिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को भी बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान सुजानपुर मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, पूर्व सुजानपुर मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, अनिल शर्मा, पवन शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, कार्यकारी सदस्य वीरेंद्र ठाकुर, जिला परिषद सदस्य बीना कपिल, उपाध्यक्ष अनिल कौशल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वो विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है। इन अध्यापकों ने मेहनत करवाई होती है और जिन बच्चों की मेहनत के परिणाम स्वरूप उनको सम्मानित किया जाता है, उन सबको आशा होती है, जिनका इंतजार होता है, प्रतीक्षा रहती है। कार्यक्रम लंबा हो रहा था, आपकी इंतजार बढ़ती जा रही थी। मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स और विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। जो अचीवमेंट्स रही है और नोट करने वाली बातें थी, स्वयं जी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा के बावजूद अचीवमेंट रही है, अर्थात यहां बच्चे नकल में पहले मारते थे ना आगे मारेंगे, अपनी योग्यता के आधार पर अच्छे रिजल्ट देंगे। हमने श्री राम नाईक जो भी कुछ महीने पहले तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, हमारे साथ सांसद थे, वो एक प्रस्ताव लाए और हमने उसका समर्थन किया कि जब लोकसभा जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसका विरोध हुआ, 4 साल चर्चा हुई लगातार पार्लियामेंट में, लोग कहे तो सांप्रदायिक हो जाएगा, ये तो मूर्ति पूजा हो जाएगी, तो हिंदू धर्म का प्रचार हो जाएगा। आखिर 4 साल के बाद निर्णय हुआ कि पहले दिन राष्ट्रगान जनगण मन होगा और जिस दिन सेशन खत्म होगा उस दिन वंदे मातरम गाया जाएगा।